जैसे हमने इस ब्राउज पे क्लिक किया, फिर वो हमसे लोकेशन मांगेगा कि कहाँ से आपको अपनी फोटोज देने हैं। तो हम हमारे फोल्डर की लोकेशन देंगे, डेस्कटॉप पे ये था हमारा फोल्डर, इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। इसमें जितने भी फोटोज थे वो सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। स्पीड कितनी रखनी है, स्लो रखनी है, मीडियम रखनी है या फिर फास्ट रखनी है, तो इसमें हम सेट कर देंगे जिस तरीके से हमें दिखानी है, और यहाँ से सेव कर देंगे। यहाँ पे प्रीव्यू में दिखा रहा है कि जैसे आपकी स्क्रीन क्या होगी, ऑफ होगी, इस तरीके से फोटोज शो होने लगे। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे और इसे यहाँ से कट कर देंगे। अब जैसे ही 1 मिनट बाद ये स्क्रीन ऑफ होती है तो क्या होगा, हमने जो जो फोटोज हमारे फोल्डर में सेव की थी वो सारी सिलेक्ट है, और वो सारी फोटोज क्या होंगी, फिर हमें शो होंगी। जब तक आपको और इस किसी भी चीज में कोई डाउट था तो आप पूछ लीजिए। ये लगाना आ गया सबको? और अगर फोटोज और टेक्स्ट के अलावा आप कोई भी ऑप्शन इसमें से यूज करते हैं तो उसमें आपको सेटिंग वो ऑप्शन कोई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मली है, आप उसे सेलेक्ट करोगे और अप्लाई कर दोगे, उसमें और किसी प्रकार की सेटिंग की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट में सिर्फ इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आपको फॉन्ट का कलर चेंज करना हो, फॉन्ट की स्टाइल चेंज करनी हो, बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो या नहीं करना हो, या फिर टेक्स्ट ही कुछ चेंज करना हो, तो ये इसलिए उसको सेटिंग दिया जाता है। और फोटोज में केवल फोटो सेलेक्ट करने के लिए और उसकी स्पीड पे निर्धारण के लिए कि आपको मीडियम रखनी है स्पीड, या फिर फास्ट रखनी है, या स्लो रखनी है। जैसे स्क्रीन ऑफ होती है ये हमारा स्क्रीन सेवर का प्रीव्यू आ जाता है कि इस तरीके से हमारे जो फोटोज हमने फोल्डर में सेव की थी वो सारी आ जाती हैं। एंटर क्लिक कर देंगे, ये ओपन हो जाएगा। इतना आया आपको? अब आप ये सोच रहे कि जैसे कि ये सारे यहाँ डेस्कटॉप पे हमारे प्रोग्राम आइकन्स हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम आइकन्स, तो ये प्रोग्राम आइकन्स या आए कैसे? तो ये इन्हें हम अंदर से स्टार्ट मेन्यू से यहाँ से डेस्कटॉप तक कैसे ला सकते हैं? तो इन्हें लाने के हम आपको दो तरीके बताते हैं। आप स्टार्ट विंडो बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च बार में सर्च करेंगे जो भी आपको वहाँ से लाना है। जैसे कि हम वर्ड टाइप करते हैं, ये वर्ड लिया हमने, जो भी हमें लाना है वो आप टाइप कर सकते हो। हमने अभी यहाँ पे वर्ड टाइप करा है, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। ये वाली क्लिक थी जिससे लेफ्ट साइड होती है, और ये राइट साइड होती है, राइट क्लिक होती है। हमने इस पे राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करने पे ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे हमारे सामने। इसमें जो लास्ट ऑप्शन है ओपन फाइल लोकेशन, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो अब ये हाईलाइट हो गया। हाईलाइट होने पे इस पे हम राइट क्लिक करेंगे तो एक है क्रिएट शॉर्टकट, हम इसे यहाँ से रीस्टोर डाउन पे कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे शो होगा, इधर कर देते हैं। अब दो तरीके से कैसे आएगा ये डेस्कटॉप पे, पहला इस पर राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट शॉर्टकट करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। यस करने पे वो यहाँ पे ये आ जाएगा, ब्रैकेट में उसने 2 दे दिया। क्यों? क्योंकि एक पहले से था वहाँ पे और हमने दूसरा बनाया, इसलिए उसने वहाँ पे ब्रैकेट में उसको 2 दे दिया। और अब दूसरा तरीका क्या है इसको लाने का, एक राइट क्लिक करी, क्रिएट शॉर्टकट करा, यस करा, तो वो डेस्कटॉप पे आ जाएगा। दूसरा हम क्लिक दबा कर रखेंगे, इसे यहाँ से मूव करके डेस्कटॉप पर छोड़ देंगे। पहले से है वो, इसलिए वो पूछ रहा है कि आपको उसको रिप्लेस करना है या फिर स्किप करना है या फिर दोनों को रखना है, तो हम किसी और का शॉर्टकट लेके देखते हैं, या इसे यहाँ से डिलीट करके ले लेते हैं। इसे डिलीट कर दिया और इसे भी कर दिया। अब वर्ड नहीं है यहाँ पे, अब हम वर्ड पर क्लिक करेंगे और क्लिक को दबा कर रखेंगे और इसे डेस्कटॉप पर लाकर क्लिक को छोड़ देंगे। जैसे हम यहाँ छोड़ते हैं तो ये इसका शॉर्टकट क्रिएट इधर हो जाता है। तो इन दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम का डेस्कटॉप पर शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। पहला पहले क्या करेंगे, विंडो बटन प्रेस करेंगे, सर्च बार में जिसका हमें शॉर्टकट क्रिएट करना है उसे सर्च करेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पर उसका लास्ट ऑप्शन आता है ओपन फाइल लोकेशन। ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करने के बाद वो हमारा, जैसे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो ये हमारा हाईलाइट कर देता है, तो उस हाईलाइट पे हम राइट क्लिक करेंगे और फिर हमें ऑप्शन मिलता है क्रिएट शॉर्टकट का, क्रिएट शॉर्टकट करेंगे और फिर यस कर देंगे, तो हमारा शॉर्टकट डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या था कि जो हाईलाइट था उस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक को दबा कर रखेंगे और डेस्कटॉप पर लाकर क्लिक को छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा।
आया है आपको?